और ये प्रधानमंत्री, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, झूठा को झूठा ही कहा जाएगा, इस बात को बोलने में मत शर्माइए और खुले मन से इस बात को बोलिए कि इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है, इस बात को आपको बोलना पड़ेगा। और चाहे इस बात को बोलने के लिए आपको जेल जाना पड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज देश की स्थिति यह है कि अगर आप इस देश की सरकार का विरोध करते हैं, अगर आप फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखते हैं, अगर ट्विटर पे आप कोई ट्वीट करते हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप कोई मैसेज भेजते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ऐसा लगता है कि ये देश इनके बाप का है और ये इस देश को इस तरीके से चलाना चाहते हैं। ये देश इनके बाप का नहीं है, ये देश इस देश के तमाम लोगों का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सरकार चलती है हमारे टैक्स के पैसे से और दलाली करती है इस देश के अंबानी और अदानी के लिए। यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। यह सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जो घपलेबाजी पिछली सरकारों में हुआ, उसी तरह के घपलेबाजी आज क्यों हो रहा है। यह सवाल उनसे पूछना चाहिए। ये जो तमाम तरीके के जुमले हमारे सामने फेंके गए, उस पर सवाल पूछना चाहिए। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि जेएनयू के डस्टबिन से ये कॉन्डोम ढूंढ करके निकाल लेते हैं, लेकिन नजीब को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नेताजी का भैंस खोज करके ले आते हैं, लेकिन ये नजीब को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नेताजी का कटहल चोरी हो जाता है, ये कटहल ढूंढ करके ले आते हैं, लेकिन ये नजीब को ढूंढ करके नहीं ला रहे हैं। ये क्यों नहीं ला रहे हैं? ये इसलिए नहीं ला रहे हैं कि इस देश के दलितों और मुसलमानों को इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि इस देश में यदि रहना होगा तो मोदी मोदी कहना होगा। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि योगी जी और मोदी जी, इस देश को यदि आप अपने मुद्दे पर चलाना चाहते हैं, तो इस देश के विद्यार्थी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह देश यदि चलेगा तो देश के संवैधानिक मूल्यों पर चलेगा। और हमारे देश की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग, भाषा और बोली के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कोई भी विविधता को हमने स्वीकार किया है, लेकिन किसी भी तरीके के शोषण और अपमान को हमने अस्वीकार किया है। एक बात को हमको मजबूती से बोलना पड़ेगा। यह जो परिस्थिति देश के भीतर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि देश के भीतर क्या हो रहा है। आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी के बच्चों को किस तरीके से प्रत्येक दिन 300 करोड़ का मुनाफा हो रहा है। आपको इस बात को समझना होगा कि शिक्षा का बजट क्यों कम किया जा रहा है, बेरोजगारों को क्यों नहीं नौकरी मिल रही है, महिला विरोधी मानसिकता को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर ईमानदारी से लड़ा जाएगा तो इस जंग को जरूर जीता जाएगा। और यह जो जंग है वो दो लोगों के बीच चल रही है, दो तरह के विचारों के बीच चल रही है। एक वो विचारधारा है जो इस देश में मनुस्मृति हमारे ऊपर थोपना चाहता है। हम तमाम लोग जो संविधान को अपना हथियार बनाते हैं, हमको उनसे एक मुकम्मल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो कहते हैं कि 2022 तक हम लोगों को मंगल पे पहुंचा देंगे। हम उनसे कहते हैं कि जो लोग अपने हाथ से कचरा उठा रहे हैं, उनके हाथ में आप यंत्र दे दीजिए, यही बहुत होगा, यही बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस देश के भीतर विजय माल्या अकेले 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। अगर इस देश में हम मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म करना चाहते हैं, इंसान जो अपने हाथ से कचरा उठाते हैं उसको यदि समाप्त करना चाहते हैं, तो 9000 करोड़ की लागत से पूरा का पूरा मैनुअल स्केवेंजिंग को एबोलिश किया जा सकता है। आज आपको इस बात को समझना होगा कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता इस देश के आम इंसान नहीं है, इस देश के आम विद्यार्थी नहीं है, इस देश के किसान और मजदूर नहीं है। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक तरफ इस देश में किसान प्रत्येक साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन किसानों को जो बीमा पहुंचाने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ भीतर देश के अंदर लगातार गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हालत यह है, अंबानी जी जो मोदी जी के दोस्त हैं, प्रत्येक दिन उनको 300 करोड़ का मुनाफा होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश में क्या हो रहा है। और अभी मैं लाला रामदेव जी का इंटरव्यू सुन रहा था। लाला रामदेव जी ने कहा
कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। लाला जी आप आगे बढ़ गए लेकिन देश आगे नहीं बढ़ा है। आप जब करोड़ों का रुपया कमाते हैं तो इस देश की जनता का भला नहीं होता है। जब तक देश की जनता का भला नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। यह बात हमको समझना पड़ेगा। जब हम लोकतंत्र और देश की बात करते हैं हमको ये बात समझना होगा कि देश देश के लोगों से बनता है। आज जब आम विद्यार्थियों के बजट काटे जा रहे हैं, पहली बार जब सरकार बनकर के आई तो 24% बजट कटौती किया गया। यह जो बजट कटौती है इससे लगातार आम विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है। किसी तरह से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 साल में 5 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं और जो कुल रोजगार पैदा हुआ है वो 1,35,000 पैदा हुआ है। आप मुझे बता दीजिए जब इस देश के इंजीनियर को रोजगार नहीं मिलेगा तो इस देश के आम विद्यार्थियों को रोजगार कैसे मिलेगा। और ये स्किल इंडिया के नाम पे इस देश में एक तमाशा खड़ा करते हैं। यह सवाल उनसे पूछिए कि आप जब स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, जब आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो राफेल का ठेका अंबानी को क्यों दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। इसीलिए आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये घड़ी मुश्किल की घड़ी है और इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम लोगों को मुट्ठी की तरह एकजुट होना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेज हो लेकिन हमारा डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि जब देश के ऊपर संकट है, जब अंग्रेजों के जो चापलूस हैं आज इस देश की गद्दी पे बैठे हैं तो हम एक मुकम्मल लड़ाई की बात नहीं करेंगे। हम आजाद देश में बची हुई गुलामी के खिलाफ तमाम तरीके की आजादी की आवाज को बुलंद करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.